सब्जियों के दामों में वृद्धि होने का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो सब्जियां पहले 10, 20 या 30 रुपए किलो के हिसाब से मिलती थी, अब उनकी कीमतों में 10 से 20 रुपए तक का उछाल आया है। जानकारी के अनुसार घिया, बैंगन, मटर व शिमला मिर्च आदि सब्जियों के दामों में 10 से 20 रुपए तक का उछाल आया है। दुकानदारों की माने तो सब्जियों की कीमत में इस तरह से इजाफा होना इस बार मौसम में हुए बदलाव के कारण भी है, जिस कारण बाहरी राज्य से यहां पर सब्जी का आना थोड़ा कम हो गया है। आने वाले दिनों में इसके हालात सुधरने का अंदेशा है। सब्जियों के दामों में वृद्धि होने का सीधा असर गरीब की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में गरीब पहले की कीमत पर आधी सब्जी खरीदने को मजबूर हो रहा है। जहां वे पहले 1 किलो सब्जी खरीदते थे, वहीं अब उनकी खरीद आधा किलो या उससे कम पर ही सिमट गई है। इसका असर दुकानदारों के व्यवसाय पर भी देखने को मिल रहा है और उन्हें भी मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में घिया पहले 30 रुपए किलो और अब 40 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि बैंगन पहले 30 और अब 40 रुपए, मटर पहले 40 और अब 60 रुपए किलो बिक रहा है, कद्दू पहले 30 रुपए और अब 40 रुपए, शिमला मिर्च पहले 40 रुपए और अब 60 रुपए किलो बिक रही है, प्याज 20 रुपए, टमाटर 30 रुपए और आलू 15 रुपए किलोग्राम बिक रहे हैं। दूसरी तरफ फलों के दामों में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। फलों में अंगूर 80 रुपए किलोग्राम, पपीता 40 रुपए, संतरा 60 रुपए और अनार 80 रुपए व 120 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। दुकानदारों में सोमदत्त, रामकृष्ण, मोनू व महेंद्र आदि ने बताया कि सब्जी के रेट बढ़ने से लोगों ने खरीद कम कर दी है और साथ ही दुकानों में पहले जैसी भीड़ भी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में उन्हें मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। इस संबंध में एपीएमसी सचिव हमीरपुर अनिल चौहान ने कहा कि सब्जियों के दामों में उछाल आया है। उन्होंने कहा कि अभी लोकल सब्जियों की सप्लाई सब्जी मंडी में नहीं पहुंच रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा के पद से इस्तीफा दिए जाने पर प्रतिक्रिया आने लगी हुई है। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी को इसे झटका माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनिल शर्मा के पद से इस्तीफा देने और अपने बेटे के लिए प्रचार करने को कांग्रेस के लिए फायदेमंद करार दिया है। सुक्खू ने कहा कि काफी समय से मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री में अनबन चली हुई थी और गहरी पीड़ा के चलते बीजेपी मंत्रिमंडल पद से अनिल शर्मा ने इस्तीफा दिया है, जिसका आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा। हमीरपुर के नदौन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संबंधित तैयारियों के मद्देनजर आयोजित बैठक के बाद सुक्खू ने भाजपा पर भी तीखे हमले किए। साथ ही सुक्खू ने अनुराग ठाकुर से पूछा कि रेल लाइन कब हमीरपुर पहुंचेगी, इसका जवाब जनता की अदालत में उन्हें देना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के पहले चरण में कई जगह पर ईवीएम में गड़बड़ी के जो समाचार आए हैं, इससे ईवीएम पर शंका बढ़ती है। सुक्खू ने कहा कि 2012 के चुनावों के बाद ईवीएम पर शंका की लकीरें देखने को मिली थी और अब चुनाव आयोग को चाहिए कि इन शंकाओं को दूर करे। सुक्खू ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा आरोप लगाती रही है, लेकिन अनुराग ये बताएं कि हमीरपुर तक रेल लाइन का क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ऊना, हमीरपुर, नदौन, सुजानपुर से पालमपुर तक सर्वे करवाया था, लेकिन बाद में इस रेल लाइन का क्या बना, इसका जवाब अनुराग ठाकुर जनता के सामने दे।
उन्होंने अनुराग को नसीहत दी कि पहले जनता के बीच अपने करवाए कामों का ब्यौरा दे, तब बयानबाजी करे। सुक्खू ने सुरेश चंदेल के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों पर कहा कि अगर सुरेश चंदेल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो इसका फायदा पार्टी को अवश्य होगा। नूरपुर के बोर्ड में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म रक्षा निधि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद एकल अभियान और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजरंग दल के प्रांत सुरक्षा प्रमुख सभ्य लोटिया ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज से धर्म रक्षा निधि इकट्ठे करता है। इस धन से संगठन का कार्य चलता है, जो कि हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए और हिंदू भावनाएं अहित ना हो, ऐसी जगह पर इस धन का उपयोग किया जाता है। एकल विद्यालय संभाग प्रशिक्षण प्रमुख सुनीता देवी ने बताया कि एकल अभियान का जो कार्य है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। नूरपुर भाग में 1290 विद्यालय चल रहे हैं। ये विद्यालय छोटे छोटे गांव में चल रहे हैं। गांव में बच्चे को 5 गतिविधियों का काम सिखाते हैं। पहले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, उन्हें प्राथमिकता के तौर पर शिक्षा दी जाती है। बाकी 4 गतिविधियां अपने गाँव के लिए दी जाती है। नूरपुर भाग में जो 1290 विद्यालय चल रहे हैं, उनका पूरा का पूरा कार्य एकल के माध्यम से ही चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष सुरेश कुलेरिया ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम था। पहली बार देखा गया कि लोगों द्वारा धर्म रक्षा निधि में अपनी सहयोग राशि अपने दिल से दी गई है। ये राशि प्रदेश में संगठन के जो विभिन्न कार्य चल रहे हैं, सेवा के कार्य चल रहे हैं, उनके काम में ये राशि खर्च की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद विनायक राव देशपांडे ने विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी क्या कमियां हैं जो विश्व हिंदू परिषद लोगों को बताती है कि हमारा हिंदू समाज एक नहीं है। भारत में कितने मुसलमान हैं? सब एक हैं। 6 करोड़ ईसाई हैं, सब एक हैं। पर 98 करोड़ हिंदू एक नहीं है। हमारी भी जाति है, मुसलमानों में भी जाति है और ईसाइयों में भी जाति है। सभी आपस में झगड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब इस्लाम की बात आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ईसाई भी जब ईसाइयत की बात आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। परंतु बड़ी दुखद बात है कि विभिन्न जातियों में बंटने वाले हिंदू कभी भी एक नहीं होते हैं।